बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री श्यामा महारानी की जय, महाराजा श्री छत्रसाल जू की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज श्री ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आइए धामधनी जी के श्री चरणों में हम वंदना करते हैं। श्री वंदो सत गुरु चरणिको करूं सो प्रेम प्रणाम, आशो भरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना, श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुना, श्री तेज कुवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, ज्यारे धनी धनवट करें त्यारे बल मैरी ना हरे, वली गया काम सराणे चढ़े मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए लाडले सुंदर साहब जी, हम अपने सुरता को श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार में लेके चलते हैं और धनी के चरणों में अपना भाव रखते हैं। मेहरों पर मेहर धनी पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बुलाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बुलाते हो। मेहरों पर मेहर धनी पल पल किए जाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो, सुख देने रूहों को चरणों में बैठाते हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साहब जी, आइए हम वाणी चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी उपस्थित हो रही हैं, हमारी संगीता जी लोहान, अरुण जी, गीता जी भावसार कनाडा से, हंसा बहन रनपारिया सूरत से, अन्नु जी गर्ग, गोपाल जी गर्ग श्री गंगानगर से, हमारी किरण जी सेठी श्री गंगानगर से, आशा जी तनेजा
श्री चिमनलाल जी तनेजा श्री गंगानगर से, अविनाश जी सिडाना राकेश जी सिडाना जयपुर से। आज मुझे जटियापुर के सुंदर साथ ने बताया, ध्रुव भाई ने, कि राकेश सिडाना जी वाणी चर्चा शेयर करते हैं। पता है ये जटियापुर कहाँ है? कानपुर से आगे गांव है। और आज वो मुझे अपने कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए 8-9-10 को मार्च में जटियापुर में प्रोग्राम है, बहन जी आप पधारें। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे जानते हो, तो बोले कि राकेश जी सिडाना जयपुर निवासी, वो रोज हमें आपकी वाणी चर्चा शेयर करते हैं, और हम कभी भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन हम आपकी वाणी चर्चा ना सुने। तो हमारा जटियापुर के कानपुर के सुंदर साथ की इच्छा है कि आप हमारे बीच में पधारें। तो मैंने उनको कहा जैसे राज्जी का सदगुरु महाराज जी का हुक्म होगा। पर मुझे बहुत खुशी हुई कि देखिए हमारे श्री राकेश जी सिडाना जयपुर निवासी, जो रोज YouTube पे इस वाणी चर्चा को डालते हैं और सभी स्थानों पर इसको शेयर करते हैं, तो आज कितनी खुशी हुई कि पूरा जटियापुर गांव वाणी चर्चा सुन रहा है, वो भी कानपुर के पास, है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी, ये बहुत बड़ी सेवा है। ये चौपाई आप सार्थक कर लेते हो कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। हमारी रंजना जी अरोड़ा दिल्ली से, वो भी नित्य प्रति वाणी चर्चा को शेयर करती हैं, है ना। रजनी जी भगत भी करती हैं और बहुत सारे सुंदर साथ। तो ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, तो इस लाइन का पालन हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा ये सुख परम धाम की आत्माओं के पास पहुंच रहा है, क्योंकि ना जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए, है ना। ऐसे हम पुरियों में जाके सब जगह पे जाके रोज रोज तो वाणी चर्चा नहीं सुन सकते ना, है ना सुंदर साहब जी, ना ही हम अपने शहर में अपने गांव में किसी महाराज को बुला सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी महाराज को बुलाएं, किसी विद्वान विदुषी को बुलाएं, है ना, तो बहुत बड़ा आयोजन करना पड़ता है। आयोजन करने के बाद बहुत सारा सुंदर साथ को बुलाना पड़ता है, मेला करना पड़ता है, तब जाके हमें, वो भी आयोजक जो होते हैं उनको वाणी चर्चा सुनने को नहीं मिलती, है ना, क्योंकि वो तो सुंदर साथ की सेवा में तैयारियों में लगे रहते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, यहाँ पे एक रुपया भी खर्च नहीं होता, हींग लगे ना फिटकड़ी, है ना। अपना ही मोबाइल ऑन किया और बैठ गए वाणी चर्चा सुनने के लिए। अब ना तो ट्रेन के पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ना बस के, ना गाड़ी लेके जाना पड़ता है ना सुंदर साथ जी। और फिर शिव जी कहते हैं ऐसे उजाले में ना जागे तो आपन बड़े गुनेगार जी, चरणों लाग के श्री इंद्रावती धनी के गुण अपार जी। ऐसे उजाले में ना जागे, अब तो इतना उजाला कर दिया ना धनी ने, है ना, घर बैठे बैठे सुना रही है। फिर कहते हैं शिव जी साहब जी चौपाई में, यो देते जो ना लेवे सो तो अभागी होवे। सही बात है ना सुंदर साहब जी, अब घर बैठ के अपनी रजाई में बैठो, अपने बिस्तर में बैठो। और शिव जी ने रास ग्रंथ से वाणी चर्चा शुरू करी है, पर हमें नहीं पता कि हमारी सांसें कब तक हैं, है ना, क्योंकि सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां, पर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां, पर सांसों का क्या भरोसा। नहीं भरोसा क्षण का, बरस मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया तो भी छूट जात भजन।
एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, नहीं भरोसा क्षण का। फिर शिवजी साहब जी फरमाते हैं कि भाई साल की और महीने की तो बात कौन करे, है ना। जब एक क्षण का ही भरोसा नहीं है तो साल और महीने की बात कौन करे। अभी मुझे कोई बता रहे थे कि ना हमारे सामने वाले और हम इकट्ठे दोनों चेयर पे बैठे थे और उनकी तरफ छाया आ गई, तो उसने कहा कि अंकल जी आप अपनी चेयर धूप में कर लो। अंकल जी ने चेयर को धूप में घसीटा, अंकल जी गिरे और चले गए। बोलो बैठे कहाँ थे, बाहर धूप सेक रहे थे और उनकी चेयर के पास छाया आ गई। तो पड़ोसी ने बोला कि थोड़ी इधर खींच लो धूप में, है ना। और जैसे चेयर उठा के धूप में रखी, बैठने लगे, गिर गए और चले गए। देखो ये है सांसों का खेल, तेरी डोरी बांधी स्वांसों स्वांस, कहते रहे बाकी तेरे स्वांस, एक स्वांस की भी नहीं आस। एक स्वांस का भी भरोसा नहीं है, इसलिए शिव जी कहते हैं श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, ना जानो इन श्वास को, फिर आवन होए न होए। हर श्वास में निज नाम का जाप चलता रहे, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भजन गाते रहो, जितने वाणी के प्रकरण याद हैं वो गाते रहो, है ना। वाणी जितनी याद हो गई ना वो अपना खजाना है, क्योंकि श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि कल हम सुन रहे थे, आइए वाणी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। केम जानिए माया गई, अंतर ज्योत ते प्रगट थई, हमें आत्म करे काई बल, तो वाणी गाऊं ने चल, लघु दीर्ग पिंगल चतुराई, एक इवनी छे बढ़ाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धामधनी जी के अत्यंत लाडले एवं प्यारे प्यारे निस्बती सुंदर साहिब जी, रास ग्रंथ का दूसरा प्रकरण है और दूसरे प्रकरण की दूसरी चौपाई में शिवजी साहिब जी कल हमें सुना रहे थे, क्योंकि पहली चौपाई में कहा माया गई पोताने घेर, हवे तू आत्म जागिनी केर, कि माया तो अपने घर चली गई, हे मेरी आत्मा अब तो जाग, तो माया नो थयो नाश, जो धनिये की दो प्रकाश। माया का नाश विनाश तब हुआ जब धनी ने तारतम वाणी का प्रकाश किया। अब ये तो सत्य है ना, जिसके हृदय में ये तारतम वाणी की लाइट ये प्रकाश पहुंचेगा, वहां माया का नाश हो जाएगा, वहां माया टिकेगी नहीं, है ना। क्योंकि हम कहते हैं माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना, माया छल वाली है, कृपा अपनी रखना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, शफकत अपनी भरना, कहीं पाँव ना फिसल जाए, शफकत अपनी भरना, एक जाम पिला कर के मदहोश हमें कर दो, ओ एक जाम पिला करके मदहोश हमें
कर दो, माया में मिले हो पिया, माया से पार कर दो, आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो, आत्म के धनी हो तुम, अब मांग मेरी भर दो। ओ चंद श्वास जो है बाकी, बीते तेरे चरणों में। आप सभी बताओ, आप में से कौन कौन चाहता है कि जो चंद श्वास बाकी हैं वो आपके चरणों में ही बीते? कमेंट करके बताओ कौन कौन चाहता है। और चंद श्वास जो है बाकी, बीते तेरे चरणों में, जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में, जीना तेरे चरणों में, मरना तेरे चरणों में। ओ मुझे और ना कुछ भाए, यही आस पूर्ण कर दो, ओ मुझे और ना कुछ भाए, यही आस पूर्ण कर दो, माया में मिले हो पिया, माया से पार कर दो। है ना? तो शिवजी साहिब जी कहते हैं कि लाडले सुंदर साहब जी, जब वाणी चर्चा के द्वारा अंतस्करण के अंदर प्रकाश हो जाता है ना, तो शिवजी साहिब जी कहते हैं, तो माया नो थयो नाश, जो धनी है की दो प्रकाश। अब हमारे अंदर भी ये वाणी चर्चा का प्रकाश कौन कर रहे हैं? धनी जी कर रहे हैं। और लाडले सुंदर साहब जी, विश्वास रखिए, धीरे धीरे हमारा अंतस्करण के अंदर भी ये हो जाएगा कि माया गई पोताने घेर, माया अपने घर चली गई। धीरे धीरे होगा, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए ते फल होए। धीरे धीरे होता है ना? तो फिर हम सुन रहे थे बड़ी प्यारी चौपाई कि केम जानिए माया गई, कि कैसे समझे कि माया चली गई, अंतर ज्योते प्रगट थई। कहते कैसे समझे माया चली गई? शिवजी साहिब जी कहते, श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती, भई मैंने समझा कि माया तो चली गई, मुझे पता लग गया कि माया चली गई। तो फिर वो कहते सुंदर साथ कहेंगे कि कैसे चली गई, आप हमें भी तो बताओ कि माया कैसे चली गई। शिवजी साहिब जी कहते हैं, भाई एक बात तो ये है कि अंतस्करण के अंदर अगर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार भरा हो, तो असत्य भरा हो अंदर, तो वहां सत्य नहीं टिकता। ठीक है? जे वो हृदय जो अंतस्करण के अंदर मन चित्त बुद्धि अहंकार के अंदर छल कपट झूठ फरेब ये भरा हुआ हो ना, तो शिवजी साहिब जी कहते हैं वहां पे ये ब्रह्म ज्ञान नहीं टिकता है। और धनी कहते हैं, श्री इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे हृदय के अंदर तो इस ब्रह्म ज्ञान ने प्रकाश कर दिया, उजाला कर दिया, है ना। और फिर अगर हृदय पवित्र ना हो तो अरश दिल करके सदगुरु विराजमान नहीं होते, धनी विराजमान नहीं होते, है ना। क्योंकि सदगुरु को घर कैसा चाहिए? अर्श मीन्स होता है घर। कैसा घर चाहिए? हमारे घर पे कोई सतगुरु आते हैं, चलो सतगुरु को छोड़ो,
कोई सुंदर साथ आते हैं हम, और सुंदर साथ ही नहीं, अरे हमें पता लग जाए ना घर पे कोई मेहमान आने वाले हैं, तो हम सुबह से लेके रात तक घर की ऐसे सफाई कर देते हैं, मान लो आज दिवाली हो, जैसे दिवाली की सफाई करते हैं, दीपावली आती है ना, तो दीपावली पर कैसे सफाइयां करते हैं। अच्छा मेहमान ही नहीं, घर में खाली बेटी और जवाई ने आना हो, ठीक है, तो घर को इतना नीट एंड क्लीन कर देंगे कि आज वो आने वाले हैं, है ना। तो लाडले सुंदर साहब जी, हम विचार करें कि जिस घर के अंदर, अर्श क्या होता है, अर्श मीन्स होता है घर, जिस घर के अंदर साक्षात सदगुरु जी आके विराजमान हो, और ये तारतम्य वाणी अंतस्करण के अंदर से प्रकट होने लग जाए, तो पता लग गया ना कि केम जानिए है माया गई। श्री इंद्रावती जी ने कहा कैसे समझा जाए कि माया चली गई, अंतर ज्योत ते प्रगट थई। अरे श्री इंद्रावती जी आत्म कहती हैं, मेरे अंतस्करण से ये अखंड ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो गया, अखंड वस्तु प्रकट होने लग गई हृदय से, है ना। और अगर हृदय के अंदर माया होती तो जहां झूठ होता है वहां सच नहीं टिकता, और जहां सत्य रहता है वहां झूठ का कोई स्थान नहीं होता। और फिर शिरजी साहिब जी वाणी में कहते हैं, सांचारी साहेब सांच को, सांचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा, सच्चे धनी हैं और सच्चाई से मिलेंगे, है ना। तो वो कहते अपने हृदय को, धनी जी कहते मुझसे दोस्ती करनी है ना, आप चाहते हो ना मैं आपके हृदय में आ जाऊं, तो हमें पांच चीजें कही हैं धनी ने कि ये पांच चीजें कर लो, मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा, मैं आपके हृदय में बैठ जाऊंगा। अच्छा कौन कौन सुंदर साथ चाहते हैं कि हमें साक्षात दर्शन हो, धनी हमारे दिल को अपना अर्श करके बैठ जाए, किस किस की इच्छा होती है कि धनी साक्षात हमारे हृदय में आ जाए। तो वो सुनो, धनी जी ने कुछ शर्तें भी रखी है ना। धनी जी कहते हैं, श्री महामत रूहे इश्क ईमान की, महामती कहती हैं इश्क ईमान की बात बताऊं, जिस आत्मा के अंदर मेरे प्रति प्रेम होगा, विश्वास होगा, शुकर गरीबी सबर, और जिस हृदय के अंदर धनी का शुकर होगा, गरीबी होगी, सबर होगा ना। आजकल तो लाडले सुंदर साहब जी सबर नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है ना। हमारे टाइम में कितना सबर था, है ना। आज देखिए, आज ना तो आजकल के बच्चों के अंदर शुकर है, ना गरीबी है, ना सबर है, ना परमात्मा के प्रति, राजजी महाराज सदगुरु के प्रति ना प्रेम है ना विश्वास है। क्योंकि प्रेम होता है जहां वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम होता है ना, है ना सुंदर साहब जी। तो प्रेम और विश्वास जहां होगा ना, वहां पे होगा शुक्र भी, गरीबी भी और सबर भी। क्योंकि जिसको पता हो कि धनी मेरे साथ हैं, पक्का विश्वास जिसको होगा धनी मेरे साथ है, मेरे हृदय में विराजमान है, तो वो टस से मस नहीं होती आत्म, है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये धाम के धनी हृदय के अंदर कब आएंगे, सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे धनी धाम में आएंगे, सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे धनी धाम में आएंगे, मेरे धनी धाम में आएंगे।
मामा श्याम आएंगे, मेरे श्यामा श्याम आएंगे, सजा लो दिल को गुलशन सा, सजा लो दिल को गुलशन सा, मेरे धनी धामी आएंगे। लाडले सुंदर साहब जी, श्री इंद्र आरती जी कहती है के मैं जानिए माया गई, अंतर ज्योत ते प्रगट थई। अरे सारी तारतम वाणी ने मेरे हृदय में प्रकाश कर दिया। आप पूछते हो कि कैसे माया चली गई। हमें आत्म करे काई बल, कहते अब आत्मा थोड़ा अपना आत्म बल दिखाए तो वाणी गाऊं ने चल। तो कहते मैं अखंड वाणी का गायन करूं अगर आत्मा थोड़ा सा बल दिखाए तो, है ना। और शिव जी कहते हैं लघु दीर्घ पिंगल चतुराई, ये तो किवनी छी बढ़ाई। कहते हैं छोटी मोटी कविता करना, है ना, छंद की रचना करना, अलंकारों की रचना करना, दीर्घ पिंगल, कहते ये तो कवियों को शोभा देता है ना। छोटी मोटी कविता करना कवियों को शोभा देता है। एनो अर्थ हूं जानू सही। शिव जी कहते हैं मुझे भी आती है कविता बनानी, मैं भी बना सकता हूं, पर आ निदमाते शोभे नहीं। कहते धाम लीला वर्णन करने के लिए पिंगल शास्त्र की चतुराई अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे परम धाम का वर्णन करना है। मैं जानता हूं मुझे भी आती है छोटी मोटी कविता रचनी, है ना, पर मुझे कविता नहीं रचनी, मुझे तो अखंड श्री परम धाम का वर्णन करना है। कल और आनंद भरी चौपाइयां होंगी। लाडले सुंदर साहब जी, आनंद ही आनंद है इस वाणी की एक एक चौपाई में। जो आत्म निज घर की है ना, जो परम धाम की है ना, उसका हृदय शीतल हो जाता है एक एक चौपाई का अर्थ सुन के। जब हम दिल से एक एक चौपाई को सुनते है ना, तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। लाडले सुंदर साहब जी, है ना, आइए हम चौपाई दोहराएं। लघु दीर्घ पिंगल चतुराई, एक इवनी छे बड़ाई, एनो अर्थ हूं जानो सही, पण आ निदमा ते शोभे नहीं, पण आ निदमा ते शोभे नहीं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम जी, कल फिर मिलते हैं राइट 8:30 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।